नमस्कार, भाग्य दर्शन कार्यक्रम को आपण मानक बहुत बहुत स्वागत करुच्छे। मुझे जशोशी प्रज्ञा, आज आम कथा हे आमको सफलतार शीर्ष में पहुँचाई नक्षत्र किए, आमर कर्म सहित जोड़ी होता नक्षत्र किए। शनि तीनोटी नक्षत्र रही जे कि जलतत्व रही। प्रथम नक्षत्र पुष्या नक्षत्र जोटा कि कर्कट राशि, अनुराधा नक्षत्र जोड़ा कि बिछा राशि, उत्तर भाद्रपद नक्षत्र जोड़ा कि मीन राशि। ये तीनोटी नक्षत्र जो मैंने जन्म होती नो डाउट से मानकर बहुत किसी कर्म से मानको मिली थाए करने। विशेष भाव में पब्लिक कार्य बेसी जिते देखु पुष्या नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र एवं उत्तर भाद्रपद नक्षत्र जो मैंने जन्म होता से गोटे कार्य करती से बहुत प्रकार कार्य कर सब डील पब्लिक सहित थाए। एमाने बहुत राजनीति क्षेत्र में थांती, एमाने टीचिंग प्रोफेशन में बहुत थांती, एमाने मेडिकल कार्य बेसी कर थांती, डॉक्टर थांती, बहुत माने पब्लिक रे थांती, माने एमाने सेवा पाई थांती। एमानंको माने जेतेबेले जन्म होई थांती एमानंको यूनिवर्स एति पाई पठाई थाए कि ए सेवा कार्य रे रहिबा पाई। देखंतु जने डॉक्टर तंकर लाइफ टाइम भितर केते लोकंकु भेटुचंती, जे टीचिंग प्रोफेशन अछि केते स्टूडेंट को भेटुचंती, जो माने राजनीति क्षेत्र रे अछि केते व्यक्ति को से माने भेटुचंती। कहंतु ए जने कोनोसी भी कार्य रे आपण अछंती, आपणकर पब्लिक सहित डील जोटा कि समाज पई कार्य करबा केते जण बहु सब क्षेत्र टा नुहे, समस्त क्षेत्र कि ए क्षेत्र कि नुहे। विशेष भाव में ये क्षेत्र गुड़ाक यू जो क्षेत्र रहा ये पब्लिक सहित जो मैंने बेस आटाच था नक्षत्र व्यक्ति मैंने देखिए बेस पब्लिक सहित जदि जन भी मानने गोटे झीटे देखिए यही नक्षत्र जो मैंने थे जहाँ भी हेले अधिक लोकों सहित संपर्क मानने कार्य क्षेत्र एमानंकु सेई दायित्व दिया जाइछि। नक्षत्र रे से माने जन्म होइछन्ति भगवान कर उद्देश्य समाज रो मंगल, समाज रो सेवा, समाज रो कार्य एमाने करंतु। एमानंकर कर्मटा बहुत अलगा प्रकार थाए। एमाने सोसाइटी को सजाड़िबे, एमाने लोकंकु सजाड़िबे, लोकंकु पाई कार्य करिबे, एमाने एई दायित्व रे से मानंकु दिया जाइथे। अपन देखिबे एई नक्षत्र माने बहुत फ्रेंडली थांति, एमाने बहुत जल्दी मिसी जांति लोकंकु सहित, माने किसी बाच विचार ना बहुत जल्दी एम मिसी जाती। ना माने कौन सी जगार सपोज जड़े बहुत अवहलार अच्छी माने कौन सी नक्षत्र जो मैं था देखिए जड़े वयस्क व्यक्ति खावा पीबार असुविधा हो शरीर असुस्थ जी हो पार कौन जगार से माने हेल्प कर था। नक्षत्र ही गोटे कार्मिक नक्षत्र, ये नक्षत्र तीन नक्षत्र जेतेबले पॉजिटिव रे रहिबे एमाने एत्ते नेम फेम कमे थांती, एमाने पब्लिक रु एमानंकर नाम जोटा कि एमानंकर डेथ परे एमानंकु वर्ष वर्ष धरी मने रखा जाइथाय। एटा होची पॉजिटिव वे रे ता माने आमी नै कि सेमानंकर बेले बेले कोन थांती माने ए नक्षत्र रे बेले बेले आमकु ए पद मिलिछि किंतु आमी तार कार्यटा करू नाहंती, आमी स्लो हे जाइछंती, आमे से ही कर्म आड़ को जाऊ ना आम स्लो हो जाते बड़े कौन हेब। प्रत्येक तीस वर्ष रे शनिदेव आसी था कौन साढ़े साती है थाए। साढ़े सात वर्ष जिते बड़े यही नक्षत्र रे जन्म होता मान ता मान कौन कर्कट राशि होती ना बिछा राशि होती ना मीन राशि होती तीन राशि रत आसब शनि साढ़े सातर शनि बकरी हे शनि साढ़े साती सब खराब नुहे। बहुत जन भावती शनि साढ़े साती खराब ना शनि साढ़े साती खराब नुहंती, जिते बड़े शनि बकरी ही सेते बड़े दंड मिली थाए। विशेष भाव जदि से माने कार्य को करी न थांती जो ड्यूटी रे अच्छा से ड्यूटी को ठीक भाव में तुले न थांती शनि जिते बड़े बकरी ही था साढ़े साती आसिकी शनि तो माने केते बले भी बकरी हो जिबे शनि साढ़े साती जणकर कर्कट राशि बर्तमान कौन शनि साढ़े साती कि बिछार कौन शनि साढ़े साती कि ना मीन राशि शनि साढ़े साती एमाने ऑलरेडी शनि साढ़े साती को क्रॉस कर सारी तो जिते बले शनि बकरी होती साढ़े साती थाई कि से
ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଭୟ ଏବଂ କଷ୍ଟ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରିବା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟଟା କ'ଣ, କାହା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟଟା ଆମେ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଯଦି ସଚୋଟ ଭାବରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ତାର ଉପରେ ପରିଶ୍ରମ କଲେ, ତେବେ ଆମକୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ ନାହିଁ। କୌଣସି ପ୍ରତିକାର, କୌଣସି ପୂଜାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଶନି ହେଉଛନ୍ତି କର୍ମକୁ ଦେଖିଥାନ୍ତି, ଜଣେ କେମିତି ଭାବରେ କର୍ମ କରୁଛି, ତେଣୁ କର୍ମ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିବା, ସରେଣ୍ଡର ହୋଇଯିବା ପୁରା। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ଭାବରେ କିଛି ଭୁଲ କରିଦେଇଛନ୍ତି ନା, ପୁରା ସରେଣ୍ଡର ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ, ପୁରା ହାତ ଟେକି ଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ସଚୋଟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭୁଲର କ୍ଷମା ଅଛି କି ନାହିଁ, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସପୋଜ୍ କଷ୍ଟଟା ହେଉଛି, ଆମେ ସରେଣ୍ଡର କରିନେବା, ମାନି ନେଇଯିବା ଆମ ଭୁଲଟାକୁ, ତାକି ଆମକୁ ପ୍ରାରବ୍ଧ ମାନେ ଏଟାକୁ ଆମର ଭୋଗ କରିବାଟା ଶେଷ ହୋଇଯିବ, ଆମକୁ କ୍ଷମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବା, ଆମେ କ୍ଷମା ମାଗିନେବା, ସରେଣ୍ଡର ହୋଇଯିବା, କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବା ଏବଂ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ କରିନାହାନ୍ତି ତା ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିକି ତାକୁ ଆମେ କ୍ଲିୟର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ତେବେ ସବୁ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ଆଜି ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି ଭାଗ୍ୟଦର୍ଶନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଠି ରଖୁଛି, ବିଦାୟ ନେଉଛି, ନମସ୍କାର।